everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So again I'm back with a new video and again मैं एक बहुत बड़े अपडेट के साथ आई हूँ. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक अपडेट के बारे में बताया था कि होम्योपैथी में काफी चेंजेस किए गए हैं उसके सिलेबस में, उसके पूरे करिकुलम में. तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन वॉच, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. सो आज इस वीडियो के अंदर हम दो और एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को देने हैं. अभी तक क्या होता था, सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना है. ट्वेल्थ के बाद नीट का एग्जाम दो, बीएचएमएस में एडमिशन लो, बीएचएमएस के बाद एआईपीजीटी का एग्जाम दो और एमडी आपका हो गया. ये पूरा ऐसे चलता था. बट अब आए हैं कुछ चेंजेस, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है. अब आपको क्या करना है, जब आप बीएचएमएस कर लेते हो उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप चल रही होती है एट दैट टाइम आपको एक एग्जाम देना है जिसका नाम है नेक्स्ट. नेक्स्ट की फुल फॉर्म क्या है देखो, देख के बता देती हूँ. फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट. मतलब एग्जिट का मतलब क्या है कि फाइनली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई. ये जो नेक्स्ट टेस्ट है इसे देने से फायदा क्या होगा, इससे देने के बाद ही आप क्वालिफाई है मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए. पहले क्या होता था, बीएचएमएस किया और उसके बाद सीधे आप अपना क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं था. बट अगर अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना एज अ डॉक्टर तो उसके लिए आपको पहले ये वाला टेस्ट पास करना होगा जिसका नाम है नेक्स्ट, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है. अब इस टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट वाले होंगे क्योंकि आगे जाके आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इसीलिए वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. तो ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा भी बर्डन लग रहा है सोचने में कि पहले ये सब कवर करो, इंटर्नशिप करो और उसके बाद फिर एग्जाम दो, देन यू आर क्वालिफाई, ठीक है. तो इट्स अ बिग डील टू बिकम अ बीएचएमएस डॉक्टर नाउ. चलो इसके आगे हम बात करते हैं. अब ये एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है जब आपका इंटर्नशिप 9 months का कंप्लीट हो जाएगा, लाइक अराउंड 270 days जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जिट ऑफ योर इंटर्नशिप, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. तो जो कमेटी है ये एग्जाम दो बार कराएगी, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में. इस एग्जाम में अप्रोक्स आपको 50% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई, जिससे कि आपका फाइनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन बन सके. इसमें आपको 5 attempts मिलेंगे, मतलब 5 बार ये एग्जाम दे सकते हो नेक्स्ट वाला. और अगर आप ये 5 exam में क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आपकी ये जो डिग्री है वो एक नॉर्मल बैचलर डिग्री होगी, ना कि आप एक डॉक्टर बनोगे. ये वहां पर अप्लाई नहीं होगी जहां पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो नाउ होम्योपैथी इज बिकम एडवांस्ड और काफी कुछ चेंजेस हो रहा है नए नए. सो अब तो होम्योपैथी का स्कोप और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर और अ लेक्चरर. अभी हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दूसरा टेस्ट है उसका नाम है NTET, दैट इज द नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. नाउ अब क्या होता था कि जब आप अपना AIPGT का एग्जाम देते थे उसके बाद आपका MD में सिलेक्शन हो गया, आपने पूरी MD कर ली. बट अब आपको MD के बाद एक और एग्जाम देना है जिसका नाम क्या है, NTET. तो अगर आपको लेक्चरर बनना है तो लेक्चरर बनने के लिए पहले आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना होगा. इस एग्जाम में भी सेम चीज है कि आपको 5 attempt मिलेंगे और दूसरी चीज है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई. यस, 50% मार्क्स चाहिए सो तभी आप टीचिंग कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीधे आप MD करो एंड देन आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर बढ़ा सकते हो. तो दीज आर द 2 new changes इन होम्योपैथी करिकुलम विच इज क्वाइट डिफरेंट. एंड आप लोग मुझे अपने व्यूज बताओ कि आपको ये न्यूज सुन के कैसा लगा, व्हाट्स योर थॉट रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइज आई एम सो सॉरी दैट आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोज, बट फाइनली आई कैन मैनेज. अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे बट अभी मैं पूरे तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है भाई. इतने एग्जाम है, लाइक AIPGT देना है, UPSC एवो और क्या NTET और नेक्स्ट एज वेल. तो अभी 4 exam अभी जिंदगी में और बाकी हैं जिनको क्वालिफाई करना है. MD है, पता नहीं कितना है अभी तो बढ़ने के लिए. तो उन सब के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी है. तो मैं कंटिन्यू अपना यहाँ पर वीडियोज डालना स्टार्ट करूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो.